फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेकर आई हूँ 1 से 7 जून 2020 के बीच जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर तो बहुत ही लंबा होता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, बट एग्ज़ाम में जो चीज़ हमें करनी होती है उसकी तो लिमिटेशन होती है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि हर एक एग्ज़ाम, चाहे आपका CHSL हो, MPPCS हो, UPPCS हो, UPSC हो, रेलवेज़ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है। वीकली सीरीज़ है, इसमें 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हम इसमें करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs के साथ हम उसका डिस्क्रिप्शन भी करेंगे कि कोई भी चीज़ हमसे छूटी ना रह जाए। तो इसके लिए चलिए देखते हैं 1 से 7 जून के बीच कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। थैंक यू वेरी मच। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड ने टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति की है? तो ये की है ईरान को। तो ये ऑप्शन नंबर ए, ईरान ने। यहाँ पर कंपनी ने लैटिन अमेरिका देश पेरू को 10 टन कवकनाशी मैनकोन जेब का निर्यात किया है और अगले एक सप्ताह में 12 टन निर्यात करने वाली है। HIL ने टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को मेलाथियन टेक्निकल की आपूर्ति करने का भी समझौता किया है। पिछले सप्ताह तक 67 टन मेलाथियन टेक्निकल का उत्पादन आपूर्ति किया है। मेलाथियन टेक्निकल एक तरह की कीटनाशी होता है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, जिसको पकड़ा भी कहते हैं, प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर लॉन्च किया है, विमान बनाया है? तो ये बनाया है रूस ने। रूस वर्तमान में अपनी सेना का बहुत तेज गति से आधुनिकीकरण कर रहा है और इसमें स्टेल्थ बॉम्बर ऐसी ही उन्नति इसने की है। यह है वर्म वर्षक विमान सुखोई 57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और ये नवीनतम तकनीक के उपयोग से बना हुआ है और रूस जो है वो भारत के रक्षा साझेदारों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे ने एडवांस आरक्षण की अवधि जो 30 दिनों की थी वो बढ़ाकर कितने दिनों की कर दी है? तो वो कर दी है 120 डेज की। आरक्षण का ये प्रावधान 230 ट्रेनों में लागू होगा। ये 30 ट्रेनों का संचालन 12 मई से हो रहा है जबकि 200 ट्रेनों का संचालन 1 जून से शुरू होगा। ये प्रावधान 31 मई 2020 की सुबह 8 बजे से लागू होगा, मतलब कि ये लागू हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पे है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है रोजर फेडरर। यहाँ पर स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार है रोजर फेडरर, जिनकी जो कमाई है 106.3 मिलियन डॉलर के साथ ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया और फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशहूर उर्दू लेखक व्यंगकार मुश्तबा हुसैन का हाल ही में किस शहर में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हैदराबाद में है। इनके बारे में क्यों चर्चा में है ये ध्यान लेते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो नागरिक संशोधन कानून चल रहा था इसके विरोध में प्रदर्शन के दौरान ये चर्चा में थे। इन्होंने पद्मश्री सम्मान लौटाने की घोषणा की थी जो इन्हें 2007 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली लगातार कौन से वर्ष टॉप 100 में शामिल हुए हैं? तो लगातार चौथे साल, मतलब कि 4 साल से लगातार विराट कोहली टॉप 100 में शामिल हो रहे हैं। 2019 में उनकी कमाई थी 173.3 करोड़ रुपए, तो ये 100वें नंबर पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस पूर्व वर्ल्ड चैंपियन का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है? तो ये भेजा है मीराबाई चानू के लिए। ये भारोत्तोलन महासंघ ने भेजा है ये नाम, और मीराबाई चानू को 2018 में विराट के साथ ही प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद रजा ने लद्दाख के करगिल में कितने किलोवाट क्षमता का पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है 7 किलोवाट।
यहाँ पर 5 किलोवाट, सॉरी 5 आएगा आंसर, गलती से 7 हो गया। ये सोलर लिफ्ट जो संयंत्र है प्रोटोटाइप है जो सिंचाई के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों की समस्या को हल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मई पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो दिवस जो है वो हम अलग से, मैं एक प्रॉपर एक आपको पीपीटी बना के दूंगी ताकि आपको ये पूरा अच्छे से लर्न हो जाए। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की लोग और उस और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में WHO से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रंप ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की जो कठपुतली बन चुका है और WHO अमेरिका की तुलना में बहुत मामूली फंड देता है, इसलिए उसने संबंध खत्म करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI ने 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी का नाम नामांकित करने की घोषणा की है? तो ये की है रोहित शर्मा ने। वो की थी भारोत्तोलन के लिए, ये की है यहाँ पर क्रिकेट के लिए। तो रोहित शर्मा का नाम किया है, ये ओपनर खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, और 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित, यहाँ सिर्फ नामांकित किया गया है, मिला नहीं है, ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को। साथ ही ईशांत शर्मा, शिखर धवन और महिला टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा का नाम भी अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। जब मिल जाएगा तो इनकी लिस्ट या इनके वीडियोस मैं अलग से आप लोगों को बना के दूंगी। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के बीच किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा है? तो ये है SpaceX। यहाँ पे ऐसा पहली बार है जब अमेरिका की जमीन से मानव को कक्षा में भेजा गया है, एक ये दशक में पहली बार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य और पेरेंट्स की सलाह के बाद कब शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला किया है? तो अभी तो ये फैसला जुलाई 2020 में किया गया है, बट देखिए आगे आगे होता है क्या। सरकार ने लॉकडाउन जो 5.0 की घोषणा की है, इसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। तो ये चीज़ कोड वर्ड के रूप में इन लोगों ने यूज़ की हैं ये टर्म्स। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क परियोजना के लिए 17.7 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र राज्य में सड़क के लिए इन्होंने मंजूरी दी है। इस सड़क परियोजना के तहत 2 प्रमुख जिला सड़कों और 11 राजमार्गों को दोहरी लेन में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से माता पिता का वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये था कल 1 जून को, मतलब ये विश्व भर में परिवार में माता पिता पर समर्पित है ये दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में अग्निप्रस्त मिसाइल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो अग्निप्रस्त मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है INS कलिंग पर, ये आप याद रखेंगे, अग्निप्रस्त मिसाइल पार्क की आधारशिला INS कलिंग पर रखी गई है। हाल ही में किस राज्य को भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो ये दी है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। इस मिशन का जो मेन मोटिव है वो राज्य में हर घर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। तो चलिए देखते हैं, 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को ही मनाया जाता है माता पिता का वैश्विक दिवस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ये आप लोग याद रखेंगे। 2 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर डे या इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। 2 जून को ही मनाया जाता है तेलंगाना का गठन दिवस, तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 जून को मनाया जाता है मासूम बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। तो ये आप याद रखेंगे ये जो भी मैं दिवस बता रही हूँ। 5 जून को एज यू ऑल नो विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो 5 जून को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी मैं थीम भी आप लोगों को आने वाले क्वेश्चंस में जो भी MCQs आएंगे उसमें बताती जाऊंगी, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं जैसे कि 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, इसकी इस साल की थीम क्या है, तो वो भी हम साथ के साथ करेंगे। तो ये जो डेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसमें
दुग्ध दिवस, और यहाँ पर एक तेलंगाना का गठन का दिन, और ये 5 जून, ये तीन जो डेज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाई बाय जो बाकी जो बचे इसमें डेज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए आज का MCQ देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज की डेज में। तो पहला क्वेश्चन है, बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे साजिद और वाजिद में से वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया। इनका कोरोना से निधन हुआ, बट हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ, कोरोना था इनको। और इनका कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो अभी इनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, 42 ईयर्स के ही थे। तो इनका 42 ईयर्स में निधन हो गया। ये कोरोना के संक्रमित होने के साथ लंबे समय से किडनी की समस्या से भी जूझ रहे थे, इसी कारण कोरोना का अटैक उन पर ज़्यादा हुआ और सब ने इनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी ने PG विभागों अंगीभूत और एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट को इस वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की घोषणा की है, मतलब कि बिना एग्जाम के अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो ये किया है रांची यूनिवर्सिटी ने। लास्ट सेमेस्टर की यहाँ परीक्षा होगी, इस प्रस्ताव के लिए मंजूरी के लिए एकेडमिक काउंसिल में इसे रखा जाएगा, मतलब कि अगले सेमेस्टर में यहाँ प्रमोट करने की घोषणा की गई है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आप देखना आगे पूछा ही जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरुआत की है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है मेरा जीवन मेरा योग, ये गलती से हो गया था। तो इसने देश में योग को महत्व देने के लिए मोदी जी ने मेरा जीवन मेरा योग नाम से वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है, और इस प्रतियोगिता को ICMR और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है, तो ये पंजाब राज्य सरकार ने घोषणा की है। यह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 2 रुपये से 50 रुपये तक का होगा, और इस अतिरिक्त उत्पाद राशि को सरकार COVID-19 संबंधी खर्च के लिए उपयोग भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है, तो ये लगाया गया है दिल्ली सरकार ने। यहाँ पर राज्य सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने 160 बेड के साथ 10 नॉन एसी कोच और हेल्थ केयर स्टाफ के लिए एक आइसोलेशन कोच को लगाया गया है, तो ये दिल्ली सरकार में सर्वप्रथम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व न्यायाधीश KG बालाकृष्णन ने हाल ही में किस पर एक नई जीवनी जारी की है, तो ये नई जीवनी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर जारी की गई है। इसका शीर्षक, नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत, ये आप याद रखेंगे। ये पुस्तक किसने लिखी है, जीवनी किसने लिखी है, तो ये आप याद रखेंगे KG बालाकृष्णन ने। इस जीवनी में मोदी के बचपन की तस्वीरों से लेकर दुर्लभ किस्सों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसलिंग फेडरेशन ने लगातार कौन से वर्ष खेल रत्न के लिए विनेश फोगाट का नाम भेजा है, तो ये भेजा है लगातार दूसरे साल, पिछले साल भी भेजा गया था। पिछले वर्ष बजरंग पूनिया को खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, बट नाम उनका भी भेजा गया था, जबकि रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो इन्होंने लॉन्च किया है रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ पोर्टल। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संचार कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल और फॉर यूथ नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम युवाओं को सशक्त भविष्य और पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संचार और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का पोर्टल। इसका नाम इन्होंने रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मतलब कि AI.gov.in, ये इस पोर्टल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अरुण सिंगल को। ये खाद्य नियामक के वर्तमान CEO GSG अयंगर का स्थान लेंगे, तो ये बैंकिंग और SSC एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। तो हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण सॉरी हाँ हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण SAISAI के कहते हैं जिसे, इसके द्वारा शुरू किया गया है खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम। इसके इसमें केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में SpaceX ड्रैगन क्रू कैप्सूल से एक ISS में किस अंतरिक्ष यात्री को सफलतापूर्वक पहुंचाया गया? तो ये पहुंचाया गया था रॉबर्ट बेनकेन को और डगलस हर्ले, मतलब कि इन दोनों को पहुंचाया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये अंतरिक्ष नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर केप कैनावेरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने MSMEs को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। MSMEs है सूक्ष्म और लघु उद्योगों के बारे में, तो इस सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी की 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये खरीदी गई है यस बैंक के द्वारा। यस बैंक ने गिरवी रखे गए अपने शेयरों के जरिए डिश टीवी की हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान, ये थोड़ा स्पेलिंग एरर है, भुगतान पाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये है विराट कोहली। ऑप्शन से आपको पता ही लग रहा होगा बाकी लोग भारतीय नहीं हैं। तो विराट कोहली एकमात्र भारतीय हैं जो सबसे ज़्यादा भुगतान पाते हैं, जो टॉप 100 की सूची में आते हैं विराट कोहली, और इस लिस्ट में वो 66वें स्थान पे हैं। और लास्ट लेक्चर आप देखेंगे तो मैंने 2019 के भी उनका स्थान आप लोगों को बताया है। निम्न में से किसने गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की है? तो जैसे कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये शुरुआत की है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य SK मोहंती ने इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तलाक के बाद कंपनी के कितने करोड़ शेयर मुआवजे के तौर पर पाने से युआन लिपिंग दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं? तो तलाक के रूप में इन्हें मिले थे 16.13 करोड़ शेयर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए। तो चीन की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी शेझिन कंगटाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कंपनी के चेयरमैन डियू बेमिन से की पत्नी जो थी वो है युआन लिपिंग का तलाक होने पर 16.13 करोड़ शेयर मुआवजे के तौर पर पाने से वे दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं। नेक्स्ट। भाजपा के ने दिल्ली में मनोज तिवारी को अध्यक्ष के पद से हटाकर किसे नया अध्यक्ष पद बन दिया है? तो वो दिया है भाजपा ने आदेश गुप्ता को। भाजपा ने हाल ही में अपनी पार्टी में बड़े बदलाव किए। उन्होंने दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मणिपुर प्रदेश अध्यक्षों को आपस में बदल दिया और दिल्ली से मनोज तिवारी की आदेश गुप्ता और छत्तीसगढ़ में विक्रम उसेंडी की जगह विष्णुदेव साय को अध्यक्ष चुना है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है दिल्ली कोरोना नामक ऐप। और इस ऐप के माध्यम से राजधानी के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं इसकी जानकारी भी पता लग सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉकी इंडिया ने महिला टीम की कप्तान रानी का नाम किस अवार्ड के लिए नामांकित किया है? तो उन्होंने ये नामांकित किया है खेल रत्न अवार्ड के लिए। ये आप याद रखेंगे कि महिला टीम जो हॉकी की है उनकी कप्तान है रानी, और इनका नाम नामांकित किया गया है खेल रत्न के लिए, जबकि वंदना मोनिका और पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए यहाँ नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने
देश के किसानों को राहत देने के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो ये की है 50 से 83% की बढ़ोतरी। ये सरकार ने 2020-21 के धान के लिए 1,868 रुपये क्विंटल, ज्वार के लिए 2,620 रुपये क्विंटल और बाजरे के लिए 2,150 रुपये क्विंटल निर्धारित किया है। बाकी ये अमाउंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस परसेंटेज में ये याद कर लेंगे आप। और ये क्वेश्चन UPPCS जैसे एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है इस टाइप का। इनमें से किस राज्य ने लॉकडाउन में ढील देने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए मॉल्स को छोड़कर सभी दुकान खोलने की अनुमति दी है? तो ये दी है पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब ने ढील दे दी है, मॉल्स नहीं खुलेंगे वहाँ पर। पंजाब में नाई की दुकान, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर सहित समेत सभी दुकानें सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक खुली रहेंगी। केंद्र सरकार ने देश के छोटे व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किसकी शुरुआत की है? तो छोटे व्यवसायों के लिए आप शिशु नाम याद रख लेंगे तो मुद्रा शिशु ऋण योजना, इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने की है। मुद्रा शिशु ऋण की शुरुआत की है जिसके तहत 1 लाख लाभार्थी 1 साल में 2% ब्याज का लाभ उठा सकते हैं। तो ये बहुत करने हैं, वो है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना का गठन दिवस, तेलंगाना फॉर्मेशन डे, और 5 जून जो कि आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, विश्व पर्यावरण दिवस की। इसकी थीम भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि आज की थीम क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है? तो ये दी है कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को। प्रधानमंत्री ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकरण के अग्रदूतों में से एक थे, ऐसे में बंदरगाह का नाम मुखर्जी के नाम पर रखना एक ज़रूरी कदम है। कलकत्ता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है, ये आप याद रखेंगे। और कलकत्ता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में होती है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यू एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में यूज़र की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? तो ये मुकदमा किया गया है अपने $5 अरब का, ये आप याद रखेंगे $5 अरब का। यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के आरोप में गूगल के खिलाफ कैलिफोर्निया में $5 अरब का मुकदमा दर्ज हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के जिला न्यायालय में ये केस दर्ज हुआ। गूगल पर क्रोम ब्राउजर में अवैध रूप से प्राइवेट मोड में यूजर्स की निगरानी करने का आरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत के जो सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया गया है? भारत की रेटिंग गिरती जा रही है इसमें, तो ये कर दिया है इन्होंने Baa3। एजेंसी का कहना है कि निम्न आर्थिक वृद्धि और बिगड़ती वित्तीय स्थिति के चलते जोखिम कम करने वाली नीतियों के क्रियान्वयन में बड़ी चुनौती खड़ी होगी। मूडीज ने भारत की स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ बिना गारंटी वाली रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया। इसके साथ ही अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 पर ला दिया। तो ये भी आप याद रखेंगे, मूडीज ने इससे पहले नवंबर 2017 में 13 साल के अंतराल के बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान चढ़ाया था, क्योंकि बहुत दिनों से Baa3 पे ही चल रही थी। 2017 में Baa2 पे आई थी बट वापस वो खिसक के नीचे आ गई है अपनी रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिपोर्ट के मुताबिक किस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्तर के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो ये है इन्फोसिस। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, इसके अनुसार इन्फोसिस के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्तर के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति बने हैं, और जबकि पिछली वर्ष इस कंपनी के 64 अधिकारी करोड़पति थे।
मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर किस कंपनी की क्रेटा भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बन गई है हुंडई। पहली बार जो है मारुति को सुजुकी जो है नंबर वन से नीचे उतर गई, क्योंकि मारुति सुजुकी को पिछले छोड़कर हुंडई की क्रेटा भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है। ऐसा कई वर्षों में पहली बार हुआ है। मारुति की कार बेस्ट सेलिंग कार अब नहीं रह गई है। नेक्स्ट, 2020-21 के लिए उदय कोटक को किस संगठन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है भारतीय उद्योग परिसंघ का। वे भी कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं। उन्होंने कोरोना के दौरान इस वर्ष 1 रुपये सैलरी लेने की घोषणा की थी। नेक्स्ट बात करेंगे, जिलोमोल मैरियट थॉमस बिना हाथों की कार चलाने वाली एशिया की कौन सी महिला है? तो ये एशिया की पहली महिला है। तो आप ये याद रखेंगे, बिना हाथों की कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला जिलोमोल मैरियट थॉमस, ये नाम याद रखेंगे आप। तो ये 28 वर्षीय हैं और एशिया की पहली महिला हैं। उन्होंने हाथ ना होने के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया। किस एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बाकी बची हुई परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए परीक्षा केंद्र बदलने के लिए 9 जून की तिथि घोषित की है? तो ये घोषित की गई है CBSE के द्वारा। CBSE ने नोटिफिकेशन के लिए 9 जून की तिथि घोषित की है, और जो 10वीं 12वीं की बाकी बची हुई परीक्षाएँ हैं वो स्टूडेंट सेंटर के एग्ज़ाम वहाँ पर सेंटर्स जो है वो बदल सकते हैं। और ये जो परीक्षाएँ हैं वो जुलाई से, मतलब जो 1 जुलाई से, अब ये जुलाई में डेट तो अभी नहीं नहीं पता चली, 15 जुलाई तक जारी रहेंगी। अनुसंधानकर्ताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने किस नाम से एक पृथ्वी जैसे ग्रह की होने की पुष्टि की है? तो ये की है प्रोक्सिमा बी। प्रोक्सिमा बी अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि ये ग्रह सौरमंडल के सबसे निकट तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की परिक्रमा कर रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कितने दिवसीय खेलों इंडिया समुदाय प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये किया 10 दिवसीय, इसमें सॉरी 25 दिवसीय, गलती से मिस्टेक हो गया, 25 दिवसीय। इसमें 15,000 शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और प्रशिक्षकों के लिए कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत को खेल राष्ट्र बनाना है। नेक्स्ट, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जो है रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है फिनलैंड राज्य, फिनलैंड देश के। रविश कुमार जो है 1995 बैच के IFS अधिकारी तथा मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ब्रिटेन की है गायत्री कुमारी को ब्रिटेन में नया उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पूर्व वे विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। कोरोना वायरस के बीच इन्होंने कई तरह की अर्थव्यवस्थाएं खोलने की इजाज़त दी है। तमिलनाडु में बाल कटवाने और ब्यूटी पार्लर की सेवा लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने दलील दी है कि इससे कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रेस करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का, किस राज्य ने COVID-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है पंजाब के द्वारा। ये आप देख सकते हैं मिशन फतेह नाम से पता चल रहा है पंजाब के। तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और उन्होंने कोरोना के खिलाफ ये मिशन का लॉन्च किया है। इसका मकसद लोगों का मनोबल बढ़ाना है, वो महामारी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। मिशन फतेह को अनुशासन, सहयोग और हमदर्दी के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन पर जोर दिया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया? तो ये हुए है अनवर सागर, इनका निधन हो चुका है। और
इन्होंने बॉलीवुड के 80-90 के दशक में अजय देवगन की विजय पर, डेविड धवन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ के सपने साजन की, अक्षय कुमार की हिट फिल्म खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तू नाड़ी के लिए भी गाने लिखे। एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, एशियन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हुई है, इसमें भारत के कितने इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं, तो इस बार जो टॉप 100 में शामिल इंस्टीट्यूट हैं वो है 8 इंस्टीट्यूट शामिल हुए हैं, और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर टॉप स्थान पर रहा है, जो कि ग्लोबल रैंकिंग में 36th स्थान पर है। तो मतलब कि 36th पर है इंडिया का टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर फिल्म मेकर वासु चटर्जी का हाल ही में निधन कितने वर्ष की उम्र में हो गया, तो ये हमें बताना है। तो इनका निधन हो गया 90 साल की उम्र में। रजनीगंधा और शौकीन फिल्मों के मशहूर फिल्मकार, ये आप याद रख सकते हैं कि वासु चटर्जी ने कौन कौन सी फिल्में बनाई थी, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और कभी कभी तो UPSC में एज भी पूछ लेते हैं, कितनी एज में निधन हुआ, तो ये चीज़ याद रखेंगे, यहाँ उनकी निधन हो गया। और इस पर सभी नेताओं और अभिनेताओं ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव कब कराए जाने का निर्धारण हुआ है, तो ये निर्धारण हुआ है 17 जून को। 17 जून को कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव कराया जाएगा, जिसकी जानकारी विश्व निकाय के अंतरिम कार्यक्रम में दी गई। 17 जून को फ्रांस ने 15 देशों की इस परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। नेक्स्ट, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस भूक्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की है, तो रूस के साइबेरिया के क्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई है। व्लादिमीर पुतिन का ये फैसला एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद किया गया है, जिससे वहाँ आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना के बावजूद भी किस देश ने भारत को समय पर राफेल विमान प्रदान करने की घोषणा की है, तो राफेल विमान की जो इनमें भारत को देने की घोषणा की है वो की है फ्रांस ने। फ्रांस ने कहा है कि समय पर वो अपने राफेल विमान दे देगा जब टाइम निश्चित किया गया है। साथ ही फ़ोन पे जो बातचीत हुई उसके दौरान फ्रांस ने क्षेत्रीय सुरक्षा और दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमति जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम से अकेले करीब 18 करोड़ रुपए कमाकर कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने के मामले पहले स्थान पर है, तो ये हमारे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसमें ऑप्शन नहीं है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इसमें गलती से मिसप्रिंट हो गया, ये आप याद रखेंगे। यूटेंस की क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम के अकेले करीब 18 करोड़ रुपए कमाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने के मामले पहले स्थान पर होंगे, यहाँ पे इंस्टाग्राम आएगा, जबकि भारतीय टीम के विराट कोहली यहाँ पर 6ठे स्थान पर हैं, ये याद रखेंगे। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने 3 स्पॉन्सर पोस्ट के जरिए कुल 3.6 करोड़ रुपए कमाए हैं। नेक्स्ट, फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ल्ड हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटीज़ में भारत का कौन सा एकमात्र सेलिब्रिटीज़ है जो हर साल ही लगभग टॉप 100 में रहता है, वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बीते वर्ष में 22% घटकर 364 करोड़ रुपए ही अब इनकी संपत्ति रह गई है, और इस सूची में वह 33वें रैंक से फिसल के अब 52वें रैंक पे आ चुके हैं, जबकि पिछले वर्ष अक्षय की इनकम 466 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके निजी सचिव राजीव टोपनो को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है राजीव टोपनो, और ये निजी सचिव थे नरेंद्र मोदी के। यहाँ पर वे 1996 बैच की गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं, और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा इस पद पर। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विदेश से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है, तो ये योजना है स्वदेश योजना।
स्वदेशी योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए अब तक 7,000 से ज़्यादा ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वंदे भारत मिशन से वापस लाया जाएगा। ये इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि किस मिशन द्वारा विदेशियों को भारत लाया जाएगा, भारतीय नागरिकों को भारत लाया जाएगा, तो वंदे भारत मिशन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कितने वर्ष के बाद भारत में महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 42 वर्ष के बाद। एशियन फुटबॉल फेडरेशन की महिला कमेटी ने 42 वर्ष बाद भारत में महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 का आयोजन करने की घोषणा की है, जिसकी जानकारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को दे दी गई है। स्टूडेंट को शहरी क्षेत्र में बेहतर ऑप्शन देने के उद्देश्य से किसने पहले द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम उसके पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये की है हरदीप पुरी ने। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और आवास शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने स्टूडेंट को शहरी क्षेत्र में बेहतर ऑप्शन देने के उद्देश्य से द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम और उसके पोर्टल की शुरुआत की है। इसके द्वारा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे उनको देश के 4500 निकायों में स्मार्ट सिटी में इंटर्नशिप करने का अवसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष किसने हैदराबाद ओपन बैडमिंटन आयोजन को रद्द कर दिया है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बता ही सकते हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इसे रद्द कर दिया है, जो कि 11, ये आप डेट याद रख सकते हैं इसमें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है कि ये होना था 11 से 16 अगस्त के बीच, बट इसे अब इसका आयोजन कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाएगा। तो आज का क्वेश्चन यही खत्म होता है। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़रूर बताएं कि आप लोगों को और कौन सी वीडियोस देखनी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।